माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने सारा विषय रख दिया है, मैं इसमें सिर्फ दो पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने आज, अभी इन्होंने जिस तथ्य का उल्लेख किया, मैं एक फैक्ट और बता देना चाहता हूं कि 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने, जो उस समय लोकसभा में नेता सदन भी थे, जयपुर में यह कहा था कि हिंसक गतिविधियां और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनसे सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, लीडर ऑफ द हाउस, ने रिग्रेट व्यक्त किया था। तो राहुल गांधी जी, जब आप सत्ता में थे तब आपके गृह मंत्री सही थे या जब आप विपक्ष में तब आप सही हैं? मुझे लगता है सुशील शिंदे जी से सीखते हुए कम से कम राहुल गांधी जी को रिग्रेट कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे, होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आपके पास सारी चीजें थी, तब आप गलत हुए, तो इसका मतलब आज आप सिर्फ हिंदू समाज का अपमान नहीं कर रहे, अपनी सरकार को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, तत्कालीन सरकार को। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है ये कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी न्याय यात्रा में, इनकी वो भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे सज्जन इनके साथ आए थे जॉर्ज पुनिया, जिन्होंने कहा था कि भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। और ये वो पार्टी है जिनके की गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस कहा। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ये एक सोची समझी जहनियत की तरह बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, आज उन्होंने बहुत, जैसा कि आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि भगवानों की फोटो लेके आने की बात करते हैं, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा उन्होंने अभय मुद्रा बताते बताते इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी। इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता है तो उनको अभय मुद्रा कहां से दिख गई? ये राहुल गांधी जी को कौन सी दिव्य दृष्टि है जिसमें, और मैं उलेमाओं इकराम से भी पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इल्म हुआ है या कोई फजल हुआ है ऊपर से कि उन्हें अभय मुद्रा दिख गई है? और दूसरा, वो भगवान शंकर की के चित्र को दिखा रहे थे जो हमारे हिसाब से बहुत आपत्तिजनक तरीका था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम लोग पूजते हैं, गुरु नानक देव, भगवान शंकर, उनकी आप ऐसे फोटोएं करके ऐसे नहीं रख सकते। और ये शिव जी की फोटो दिखा रहे थे और कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ेंगे, जबकि शिव और शक्ति असंपृक्त हैं। रामचरितमानस में लिखा है अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु वरदांग निवासी, अनादि रूप से शिव शक्ति साथ। और एक मैं टेक्निकल पॉइंट कहता हूं, राहुल गांधी ने बहुत धर्मों का उल्लेख किया, पर राहुल गांधी ने शपथ तो ईश्वर के नाम की नहीं ली, ही हैज सॉलेमली अफर्म, ये उनका अधिकार है, हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे। परंतु यदि आप ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर में निष्ठा नहीं रख रहे हैं और फिर ईश्वर के चित्र दिखा रहे हैं। और मैं ये भी आप लोगों के सुलभ संज्ञान को बता दूं कि 2014 में राहुल गांधी ने शपथ ईश्वर के नाम की ली थी और हिंदी में ली थी। 2014 से 24 में क्या बदल गया कि ईश्वर के नाम की शपथ से सॉलेमली अफर्म पे आ गए और फिर सदन के पटल पर ईश्वर के चित्र दिखाने लगे? और तब देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया ईमान। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गंभीरता के साथ, जैसा आदरणीय अश्विनी जी ने कहा, परिपक्वता के साथ आचरण करें। अभी नए नए एलओपी बने हैं, उत्साह ज्यादा है, उच्छृंखलता ज्यादा है, तो मुझे लगता है गंभीर और परिपक्वता से विचार करें। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।